तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है Hidden News. और आजकल आप सबने ही देखा होगा कि न्यूज चैनल पर YouTube पे TikTok पे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें कुछ भी बकवास दिखाते रहते हैं और सच तो ये है कि हमें वो दिखाया जा रहा है विदाउट आर चॉइस मर्यादा रखिए थोड़ी मर्यादा रखिए अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है ॐ जय जगदीश हरे पीछे से आलू आगे से सोना पीछे से आलू आगे से सोना वो मशीन मिली मैं तो एक्टर हूँ कम से कम डिस्ट्रॉयर तो नहीं हूं देश का ऐसे एक नहीं करोड़ों एग्जांपल अवेलेबल हैं पूरा YouTube आप देख लीजिए पूरा Facebook आप देख लीजिए सबका सब बकवास से भरा हुआ है कहीं भी कुछ भी देश की प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई भी बात इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं की जाती सिर्फ की जाती है तो हमारी ब्रेन वॉशिंग और दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैं एक देख वीडियो देख रहा था जिनमें एक वन मानुष आता है और चार गालियां किसी दूसरी सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको देता है और वो बहुत ही पॉपुलर हो जाता है मतलब अगर आप देखें तो पिछले दो तीन दिन में तकरीबन साठ लाख लोग उसकी वीडियो देख चुके हैं अब कुछ नचनिया आते हैं वो एंटरटेनमेंट के नाम पे अपना जेंडर तक चेंज कर लेते हैं और गजब की बात तो ये है कि हम लोग उन्हें लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो यही काम बार बार करते रहें और हमारी आने वाली जनरेशन को भी ऐसा ही बना दें दिक्कत सबसे बड़ी तब आती है जब ऐसे लोग कुछ अच्छा करने वाले लोगों से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अब आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे कितने जवान आए दिन शहीद होते हैं पर एक दिन से ज्यादा भी कोई भी उनके लिए स्टेटस नहीं डाल सवाल आप सबसे यही है कि भाई आखिर हम जा कहाँ रहे हैं वही दूसरी तरफ रोज न्यूज चैनल पे हम लोग बकवास सुनते जा रहे हैं अपने दिमाग पे ताला लगाकर बैठे हैं हम सब और आखिर में मेरा सबसे यही सवाल है कि भाई आखिर देख क्या रहा है हमारा हिंदुस्तान देश भर में इतना कुछ हो रहा है माइग्रेंट से लेकर भूखमरी से लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है पूरी दुनिया की वाट लगी हुई है कोरोना वायरस से कश्मीर में कोरोना वायरस से इतने लोग नहीं मर रहे जितने जवान हमारे शहीद हो गए हैं और अगर देखा जाए तो एक दिन भी कोई उनके लिए स्टेटस लगा के उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देता आधे लोगों को तो किसी का नाम तक नहीं पता कि हमारे लिए कौन फाइट करता हुआ शहीद हुआ था सबसे दुखद ये चीज है जो हमारी जनरेशन आज झेल रही दोस्तों इसी पे मैंने कुछ लिखा है आप लोगों के लिए तो गुनगुनाते तारों को छोड़कर एमेजोन प्राइम देख रहा है हिंदुस्तान कश्मीर में शहीदों की कुर्बानी छोड़कर दुनिया भर के व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा है हिंदुस्तान माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर सुख से घर बैठे रामायण देख रहा है हिंदुस्तान भूखे गरीबों को रोड पे मरता छोड़कर दूसरों की कुकिंग स्किल्स देख रहा है हिंदुस्तान लॉकडाउन में लॉकडाउन में परिवार का साथ छोड़कर लाखों लोगों को टिकटॉक पर नाचता हुआ देख रहा है हिंदुस्तान हर बात पर रोता है और मोबाइल हाथ में आते ही हंसता है ये हिंदुस्तान वहीं जहां कोरोना के इलाज के लिए पूरी दुनिया परेशान है और देखना चाहती है कि उसका इलाज कैसे होगा दूसरी तरफ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई देखता है हिंदुस्तान और दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी ही एक वीडियो पे दो दिन के अंदर साठ लाख व्यूज़ आए हैं तो आप सोच सकते हैं कि, कि किस हद तक ये बकवास चीज़ें हमारे अंदर घुस चुकी हैं आगे शुरुआत करता हूँ दोस्त यारों और रिश्तेदारों की परवाह ना करते हुए नेटफ्लिक्स पर आने वाले अगले सीरियल की राह देखता है हमारा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार गरीबी और अशिक्षा से आंखें मूंद लेता है ये हिंदुस्तान पर न्यूज़ चैनल पर सेम बकवास रोज़ देखता है हिंदुस्तान और अगर ऐसा ही चलता रहा ना दोस्तों तो जल्दी ही भारत को बर्बाद होता देखेगा ये हिंदुस्तान और दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए है। धन्यवाद हैरा होती तुम उस बात पे कितना हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तनहाई अक्सर ये बातें करते हैं